हेलो एवरी वन स्टूडेंट दिस इज़ विपिन हीर आई एम अगेन कैम बैक विद माई न्यू वीडियो ऑन अवर चैनल एजुकेशनल हाइक एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पार्ट थर्ड ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ओके अब देखिए आप लोग बता दें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में हमने मोस्टली टॉपिक्स कवर कर लिए हैं लेकिन चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है इसके बाद जो भी आपके अपकमिंग टॉपिक्स हैं जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इन चैप्टर्स के उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके हम आगे कवर करेंगे तो ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट थ्री है इस पर्टिकुलर पार्ट part में हम लोग न्यू कंजर्वेटि आफ्टर 1815 कवर करेंगे ट्रिटी ऑफ वीना को जानेंगे रिवोल्यूशनरीज के बारे में जानेंगे किन्न्हें रिवोल्यूशनरीज कहा जाता था जूसुफ़ी मज़ीनी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट टर्म्स ओके okay. तो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल एजुकेशनल हाइक को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ न्यू में आफ्टर 1815 अब देखिए लास्ट पार्ट में राइज ऑफ नेसिव इन यूरोप का जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने बैटल ऑफ वाटर के बारे में जाना बैटल ऑफ वाटर में क्या होता है नेपोलियन बोना को एक एलियंस डिफ़ीट कर देता है और उसके बाद उसको सेंट हेलेना भेज दिया जाता है इसके बाद जो ये एलियंस पावर थे ये सब कंजरवेटिव आइडियोलॉजी के थे और इन सभी एलियंस पावर ने अपने अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग पूरे के पूरे यूरोप के सोसाइटी को फिर से रीमॉडिफाई किया पूरे के पूरे यूरोप को सोसाइटी को फिर से क्या किया रिमोडिफाई किया हर वो टेरिटरी जो आपके नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑक्यूपाई बोना कर रखा था उन सभी टेरिटरीज़ में उन्होंने फिर से मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टेब्लिश कर दिया ओके और उसके बाद उनका मानना यह भी था कि नेपोलियन बोना ने जो भी रिफॉर्म्स किए थे अगर उस रिफ़ॉर्म्स को हम एडॉप्ट करके सोसाइटी को रिफॉर्म सोसाइटी को रीमॉडिफ़ाई करेंगे तो सोसाइटी पहले से और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी स्ट्रांग हो जाएगी याद रखिएगा कन्जरवेटिज़म आइडियोलॉजी के पर्सन को ये लगा कि नेपोलियन बोना ने जो भी रिफॉर्म्स किए थे अगर हम उन रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करके सोसाइटी को रीमॉडिफाई करेंगे तो हमारी सोसाइटी पहले से और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी ठीक देखिए यहां पर लिखा लिखा हुआ है दे ऑल्सो रिलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनड बाई नेपोलियन दैट मॉडर्नाइज कुड कुफेक्ट टेन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनाकी ओके okay. तो याद रखिएगा 1815 ऑफ के के बाद आपके आइडियोलॉजी रखेगा ने किंग वगैरह ने क्या किया कि पूरी की पूरी सोसाइटी और हर वो टेरिटरी जो नेपोलियन बोना ने ऑक्यूपाइड कर रखा था उन सभी प्लेसेस को उन्होंने फिर से मॉडिफाई किया और वहां पे फिर से मोनार्क स्टैब्लिश कर दिया वहां पर फिर से मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया ओके okay. अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर वीडियो इज द ट्रिटी ऑफ वीना ट्रिटी ऑफ वीना क्या था 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन मोनापार्ट को हराने के बाद सारे के सारे एलियंसेज ने क्या किया एक ट्रिटी की एक समझौता किया और वही समझौता आपका कहलाया ट्रिटी ऑफ वीना ये 1815 में हुआ था और इस ट्रिटी को होच किया था ड्यूक मेटर्निस ने ड्यूक मेटर्निस बहुत ही फेमस नाम है इस नाम को आप लोग जरूर याद रखिएगा ये एक ऑस्ट्रियन चांसलर था एक ऑस्ट्रियन चांसलर था ओके ड्यूक मेटर्निंग इसी ने आपके ट्रिटी ऑफ वीना को होस्ट किया था ट्रिटी ऑफ वीना वीना एक प्लेस है याद देखिएगा वीना कैपिटल सिटी ऑफ हैंसबर्ग अंपायर। हैंसबर्ग अंपायर का जो कैपिटल सिटी है वीना ये एक प्लेस था इसी को प्लेस पे ये सारे के सारे पावर्स मिले थे और सभी ने मिलकर एक सेटलमेंट किया था एक एकोमोडेशन किया था आइए ट्रिटी ऑफ वीना के पॉइंट्स को इसके क्लॉजेस को जानते हैं पहला द बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर टू द थॉन फ्रांस में फिर से बर्बन डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर दिया गया पहला दूसरा फ्रांस के पॉलिटिकल बाउंड्री को उन्होंने क्या कर दिया फिक्स कर दिया ताकि फ्रांस फ्यूचर में अपने पॉलिटिकल बाउंड्री को बढ़ा ना सके एक्सपेंड ना कर सके तीसरा द किंगडम ऑफ नीदरलैंड टुगेदर विद बेल्जियम जुएना वाज गिवन टू पेडमोंड ठीक है नीदरलैंड बेल्जियम और जुएना ये सारे पार्ट्स आपके पिडमॉन के अंडर में आ गए ओके सेकेंड थिंग आस्ट्रिया वास गिवेन कंट्रोल टू लोमबार्दी एंड विनीतिया आस्ट्रिया को लोम्बार्दी और विनीतिया का लोम्बार्दी और विनीतिया ये जितने भी प्लेसेस थे जुवेना लोम्बार्दी विनीतिया उसके बाद क्या कहते हैं आपके सेक्जोनी पोलैंड इन सभी प्लेसेस पे नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना कब्जा जमा रखा था तो नेपोलियन बोनापार्ट के डिफीट होने के बाद जितने भी आपके ये विक्ट्री विक्टोरियस पावर्स थे जितने भी आपके एलियंसेस थे इन सभी ने उस पर्टिकुलर सारी टेरिटरीज को आपस में डिवाइड कर लिया तो लोम्बार्दी और विनीतिया आस्ट्रिया को मिल गया ठीक पर्शिया आपके सेक्जोनी को सॉरी पर्शिया ने सेक्जोनी को ले लिय लिया उसके बाद रशिया ने आपके पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया ये

बट द मेन एम ऑफ दिस स्टिटी वाज टू रिड्रॉ द पोलिटिकल मैप ऑफ यूरोप एंड सेटल द इशू एराइजिंग फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड नेपोलियनिक वार ये मेन पर्पज था स्टिटी का स्टिटी का मेन पर्पज़ था कि आपके यूरोप के पॉलिटिकल बाउंड्री को फिर से रिड्रॉ किया जाए और नेपोलियनिक वार्स और फ्रेंच रिवोल्यूशन से जो भी इशूज आपके अराइज हुए हैं उसको क्या किया जाए ख़त्म किया जाए तो ये ऑफ ऑफीना के पॉइंट्स थे आप इसको प्लीज याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में लॉन्ग में और शॉर्ट में इससे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं और वेरी शॉर्ट में अगर इससे क्वेश्चन पुटअप हुआ तो ये पूछता है कि ऑफ ऑफी किसने होस्ट किया था और ये कब हुआ था तो ट्रिटी ऑफ वीना होस्ट किया था ड्यूक मेटर्निस ने ये एक ऑस्ट्रियन चांसलर था और ऑफ ऑफीना आफ्टर बैटल ऑफ आफ वाटर हुआ था एटीन

हर वो पर्सन जो ट्रिटी ऑफ इना का अपोज करता था जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करता था वो आपका रिवोल्यूशनरी कहलाता था यानी कि क्रांतिकारी आगे ध्यान दीजिएगा आपके इंपीरियर रूल को डिमोलिश करने में रिवोल्यूशनरीज ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया था क्योंकि जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे ये रिवोल्यूशनरीज नेशन स्टेट के आइडिया को स्प्रेड कर रहे थे और इन्होंने बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ भी फॉर्म कर रखे थे देखिए सेकंड पॉइंट में ये एग्जैक्ट exactly लिखा हुआ है कि रिवोल्यूशनरीज प्ले अ वाइटर रोल इन डिमोलिशन ऑफ इंपीरियल रूल दे फॉर्म लॉट ऑफ सीक्रेट सोसाइटी टू स्प्रेड द नेशन दू टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट ये सारे के सारे जो रिवोल्यूशनरी पर्सनस थे इन्होंने इम्पीरियर लू को डिमोलिश करने में बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया था बहुत ही अहम रोल प्ले किया था और सेकेंड थिंग इन्होंने बहुत सारे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म कर रखे थे और उनकी मदद से ये अपने रिवोल्यूशनरी ब्रदर्स को ट्रेनिंग देते थे और उनको एशियन आइडिया के स्पेड को फैलाने की बात बताते थे सेकेंड थिंग टू बी अ रिवोल्यूशनरी उस समय रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या था उस समय यूरोप में जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस समय रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या था ध्यान देते हैं टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन ट कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म दैट हैड बीन इस्टेबलिश आफ्टर ट्रिटी ऑफ वीना एंड टू फाइट फॉर फ्रीडम एंड लिबर्टी यहाँ पे रिवोल्यूशनरी का मतलब ये था 1815 के दौरान कि 1815 के बाद जो रीमॉडिफाई कर दिया गया सोसाइटी को आपके राजा महाराजाओं द्वारा उसका अपोज करना और क्या कहते हैं फ्रीडम और लिबर्टी के लिए फाइट करना अब देखिए बहुत ही फेमस पर्सन का नाम आ रहा है जूसुफ़ी मजिनी एक बहुत ही फेमस रिवोलूशनरी था जिसने आपके इटली के यूनिफिकेशन में बहुत ही अहम रोल प्ले किया था तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से रिपीट कर दूँ आपके पूरे के पूरे यूरोप में हर उस पर्सन को रिवोल्यूशनरी कहा जाता था जो ट्रिटी ऑफ विना का अपोज करता था और लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करता था और जो फ्रीडम और लिबर्टी के लिए लड़ाई लड़ता था और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था ठीक है ये क्या करते थे रिवोल्यूशनरी नेशन आइडिया नेशन स्टेट के आइडिया को स्प्रेड करते थे बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ की मदद से और बहुत ही फेमस रिवोल्यूशनरी का नाम मैंने बताया आपको जोसेफी मजीनी जिसने इटली के यूनिफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था तो ये था रिवोल्यूशनरी ओके okay? अब जोसेफी मजीनी के बारे में जानते हैं कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स आते हैं इनके ऊपर तो जोसेफी मजीनी का जन्म अठारह में ग्वेना में हुआ था ये एक इटालियन पेट्रियाट था और ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी कार्बोनरी कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर भी था अट्ठाईस चौबीस साल की उम्र में ये क्या कहते हैं लेंगूरिया चला गया था लंगुरिया में सॉरी इसने एक रिवोल्यूशन किया था लेंगोरिया में इसने एक रिवोल्यूशन किया था और उसके बाद इसे कई सालों तक छुप कर अपनी जिंदगी बितानी पड़ी क्यों बहुत सालों तक इसको छुप कर अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ी क्योंकि पूरे के पूरे किंग्स को ये मालूम हो गया था कि ये एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशनरी पर्सन है अगर ये सोसाइटी में रहेगा तो कन्जरवेटिव आइडियोलॉजी को ये बढ़ने नहीं देगा तो कई सालों तक इसको छुप के रहना पड़ा क्योंकि पूरे के पूरे राजा महाराजा यूरोप के आपके अलग अलग डाइनेसिटीज़ के किंग इसको ढूंढ रहे थे ताकि इनको इसको पकड़ के मौत के घर उतार सकें ओके okay. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोग जानिएगा जोसेफी मजीरी के बारे में कि इसने दो सीक्रेट सोसाइटीज़ भी फॉर्म की थी एक आपका था यंग इटली मार्शली में और एक आपका यंग यूरोप वर्न में ओके और इस दोनों के दोनों सिक सोसाइटीज में जो भी मेम्बर्स एड हो रहे थे वो ज़्यादातर आपके पोलैंड फ्रांस इटली और जर्मन स्टेट्स के थे ओके इसके बाद ड्यूक मेटर्निच देखो मैं तो ना कंजर्वेटिव ऑस्ट्रियन चांसलर कंजर्वेटिव आइडोलॉजी का पर्सन ड्यूक मेटर्निस ने ये कहा था कि इनके जो इनका सोसाइटी है इनके सोसाइटी का जो सबसे खतरनाक एनिमी है वो है आपका जोसेफी मजीनी देखिए कहा डू ओके, okay. तो ये था जोसुफी मजीनी के बारे में आप लोग प्लीज इसे कवर करिएगा अब इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है कैरी कैचर किसे कहते हैं कैरी कैचर का मतलब एक ऐसा पिक्चर एक ऐसा क्या कहते हैं आपका डिपिक्शन एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जो आपको कोई किसी प्रकार का कोई कार्टून शो करता हो कैरिकेचर का मीन्स होता है एक ऐसा डिपिक्शन एक ऐसा एनिमेशन या एक ऐसा पिक्चर जो किसी प्रकार का कोई कार्टून शो करता हो और उस कार्टून के मदद से वो किसी ना किसी करेक्टर को इंडिकेट करने की रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हो तो स्टूडेंट्स ये राइज ऑफ यूरोप का थर्ड पार्ट था अगर आप सभी को पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए